हाँ तो भाई ये कहानी है उन पांच दोस्तों की जो सुबह 4 बजे अपने घर से मीलों दूर सफ़र करते हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी पुरानी यादों को फिर से दोहरा सके। तो अभी आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सुबह 4 बजे ही क्यों, तो इसका जवाब है ये कहानी। तो ये कहानी शुरू करने से पहले आपका वो पांच दोस्तों से मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो इस कहानी के अहम किरदार है। जावेद भाई मतलब ओवर एक्टिंग मतलब जावेद भाई। और ये है फैजान। फैजान अपनी ग्रुप का सबसे चतुर लड़का है। नावेद आज के अपने स्पेशल गेस्ट। और ये है अजीत। अजीत द शॉपिंग मैन। और आखिर में आपका भाई। और आपके भाई को वॉशरूम का बड़ा मसला है। चंदा मेरे को टॉयलेट आ रही है। तो हगीस वगीस पहन के नहीं आया तू? इसकी क्या जरूरत है बूटीज पहन के? वैसे तू बताने आया है ट्रक पे कि क्या। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 5 और आज का व्लॉग ऑफ द फेस जावेद भाई है। तो जावेद भाई बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। वेलकम टू तौसीफ चैनल। जैसा कि कुछ डिसाइडेड नहीं था बट हम सब दोस्त लोग का बहुत टाइम के बाद में छुट्टी मिला फ्राइडे को, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कुछ चलो कॉलेज टाइम की यादें ताज़ा करते हैं। तो हम सब फ्रेंड्स कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स। जावेद भाई कॉलेज टाइम के दोस्त नहीं, स्कूल टाइम के दोस्त हैं हम। कोई नहीं जावेद भाई, आप अपना चालू रखो। सब लोग हम निकले हैं अभी टाउन मीन्स चोर बाजार, बहुद्दीन बावा, रिटर्न में डेढ़ गली वगैरह, ऐसा सब घूम के लेट्स कॉलेज के ताज़े यादें ताज़ा। जावेद भाई आज थोड़ा भावनाओं में बह गए। कोई नहीं जावेद भाई, ऐसा होता है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में सी छोटी छोटी बातें होती हैं। फैजान फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था तो मैंने बोला फैजान को अगर आगे बैठा है तो 2-3 शॉट भी ले ले। और वहाँ गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि भाई जहाँ लाइट दिखेगी लाइट से खेलना। तो बस फिर होना क्या था देखो आप। फैजान भाई लाइट से खेलो। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। तो फिर लाइटों से खेलने के बाद हम पहुंचे डेढ़ गली। तू फिर इसकी गली से ले रहा है ये है जावेद इज लायर। हम लोग आए थे यहाँ डेढ़ गली। डेढ़ गली बेसिकली एक जूता मार्केट है जहाँ मतलब सेकेंड हैंड और न्यू शूज मिलते हैं। तो जिनको पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। सुबह आपको जल्दी आना पड़ता है ताकि अगर अच्छा माल मिले तो आप ले सको। क्या हो गया इधर? जो मेहमान को बोला था वहाँ पे जाने। हम लोग यहाँ पर अजीत का वेट कर रहे हैं खड़े होके। अजीत ने एक शूज़ लिया, अभी वापस दूसरे शूज़ के लिए गया और हम लोग को यहाँ पर पधारा है। आधा घंटा हो गया, अभी यहाँ से आगे बढ़ना है, लेकिन वो आए तो बड़े। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। औसीफ जरा ना अंदर, मैं इधर बैठने वाला। क्या कर रहे जावेद भाई, क्या कर रहे होटल में? जैसा मैंने बोला था कि पुरानी यादें ताज़ा करेंगे तो आज आए हैं नाश्ता करने एक साथ। कहते थे मेहरबान्स भी, तो मेहरबान्स बंद था, तो अभी थोड़ा यहाँ खाएंगे फिर वापस जाएंगे। 8 बजे खुलेगा तो वहाँ थोड़ा खाएंगे। फिर जावेद भाई हलवा पराठे खिलाने वाले हैं अरब गली में। खिलाने नहीं वाले, खाने वाले मतलब। तो नेकजाद में खीमा खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सामने अरब गली में हलवा पराठा खाने। एनीबॉडी कैन शेयर हाउ वाज द खीमा इज द? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, पेट भरने के लिए थोड़ा लेट मिला ठीक है।
ए नवेद कैसा था गीवा? अरे बूम क्या बॉम्ब था क्या गीवे? फैजान को बोले थे कि हलवा पराठे का वीडियो निकाल ले, लेकिन अपना फैजान तो फैजान है, वीडियो कम हलवा पराठे की आवाज ज्यादा निकाल रहा है। मेरे नहीं तो क्या भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे खड़े? तो मेहरवान्स भी क्या करने है? आज आम दावत है तो वही आम लाइट लगी हुई आम दावत आधा घंटा लाइन में लगने के बाद अभी भी हम लोग अनडिसाइडेड है कि हमें एक्चुअल में खाना क्या है। अरे वही 20 है तो गिन लो कितना किसको। यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब जो होगा उसे आपका भाई बयान नहीं कर सकता। अंडे ले ले एक की दो की चार आ गया पूरा संसार। चार का पाँच चार का पाँच पाँच का दिए पाँच का दिए लेते रहे लेते रहे संसार को खिलाते रहे। आएगा जाएगा ऊपर से आएगा खाएगा जाएगा ऊपर से आएगा नीचे निकाल लिया इतना जोर की बोलेगा। अभी हम लोग है मोहम्मद अली रोड पे और मैं आया था इधर मीनारा मस्जिद की तरफ। जावेद इन लोग वहाँ बेकरी की तरफ है, पाव ले रहे वो लोग, तो मैं बोला थोड़ा यहाँ जाके आ जाते, तो अभी जा रहा हूँ लोग से मिलने। मोहम्मद अली रोड हम लोग इसीलिए आए थे क्योंकि जावेद भाई को पाव खरीदना था। हाँ सही सुना आपने, पाव। जावेद भाई साथ है भाई, जावेद भाई साथ हो और हम घर के सामान ना खरीदे ऐसा हो ही नहीं सकता ना। जैसे ही मोहम्मद अली रोड पहुंचे थे हम लोग वहाँ पे, अचानक से मुझे ना बहुत जो भरकम प्रेशर आया था, तो फिर हम लोग यहाँ अरब गली आए थे स्पेशली हल्का होने, तो अभी थोड़ा हल्का हो गया, रिलैक्स माहौल हो गया, फिर अभी जाएंगे चोर बाजार। इधर जा रहे जावेद भाई, ये क्या पुरानी यादें ताज़ा कर रहे क्या? हाँ वही, ट्रेन से उतरो और पैसे बचाने के लिए पैदल चलो। नो शेयरिंग रिक्शा, नो टैक्सी, ओनली पैदल, ओनली पैदल। अभी हम लोग आ चुके हैं चोर बाजार में और इसकी गलियों में। हंडी वाला किधर है? आज भी मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार चोर बाजार आए थे। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है, गलियाँ भी वही है और सामान भी, बस वक्त बदला है और कुछ। ले 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 उठा ले उठा ले उठा ले 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 चश्मा ले चश्मा ले नावेद। अरे हाथ देख ले, लव फुल लव फुल लव फुल जीत। अगर चोर बाजार आए और इमाम शरबत का शरबत नहीं पिया तो फिर क्या पिया बताओ? सीबी से हम लोग आए अमतुल्ला में, अमतुल्ला में जावेद के भाई रहते अपने फयाज भाई, तो उनसे मिलना भी और अपनी गाड़ी भी जो है इधर ही पार्क की है, इधर ही पार्क करके गए थे हम लोग, तो बाकी तो यही सीन है। और सबसे ज़्यादा सीबी में भाई अजीत ने शॉपिंग किया है, हम लोग को तो इतना कुछ मिला नहीं, तो एक एक सॉक्स उठा ली हम लोग ने, मैं और फैजान ने, तो यही सीन है। अगर इसे ही यादें दोहराना कहते हैं तो मैं बार बार और हर बार इन यादों को दोहराना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही बेदुखी और बेमतलबी चीज़ें करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ। ऐसा लग रहा है आराम करके बहुत बहुत सुकून लग रहा है, सपोर्ट मिल रहा है एकदम, मतलब इस सूखी जबान को अभी थोड़ा पानी मिल जाएगा तो बेटा पानी की जरूरत है, पूरा एकदम फुल सही हो जाएगा अपना मसला हल है। चलते चलते तिश्नगी वाले कदम
पूछिए मत, बस इतनी थकान हुई कि पैर से लेके कंधे पूरा जिस्म बस एकदम तर तर दुखा दुखा हर जगह दुख रहा है बस।